नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। बेटी मेयर व पिता पूर्व मेयर, पानीपत में नहीं हो रही सफाई। पिता ने यही सोचकर बेटी को मेयर बनाया होगा कि पानीपत का होगा सुधार, लेकिन बेटी पानीपत नगर निगम की मेयर होने के बावजूद भी आज पूर्व मेयर को धरने पर बैठना पड़ा। पूर्व मेयर की मांग में डिपिंग ग्राउंड चारों तरफ से कवर किया जाए। डिपिंग प्वाइंट पर कूड़ा उठाने वाली कंपनी JBM के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। कहा जब तक सफाई नहीं होगी बैठेंगे धरने पर। अभी आपने देखा होगा कि पूरे पानीपत नगर निगम का जितना भी गंद उठता है वो सारा यहाँ पर पोश इलाका है। ये इधर मेरे पीछे सेक्टर 12, ये सेक्टर 25, सेक्टर 24, सेक्टर 11 सबका पोश इलाका है। और ये मेन पार्क है जिसमें रोज़ सवेरे कम से कम भी 2000 आदमी यहाँ पर सैर करने के लिए आता है। और ये पार्क है, पार्क के बिल्कुल सामने एक डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है और खुले के अंदर सारा का सारा जितना भी कूड़ा है यहाँ पर वो लाके शहर का डालते हैं। मैं कई बार इसके लिए रिक्वेस्ट कर चुका हूँ भी कम से कम यहाँ पर चादरें लगाई जाएं ताकि आने जाने वालों को गंद दिखाई ना दे। आपने अंदर जो करना है करो या फिर इस डंपिंग स्टेशन को यहाँ से शिफ्ट करो ताकि ये बिल्कुल पोश इलाके के अंदर आपने बना दिया है और यहाँ पर बेसहारा जानवर जितने भी आते हैं वो ये इनके पोलोथीन सारे खाते हैं, खाने के बाद वो फिर बीमार पड़ जाते हैं। कल कुछ लोग सेक्टर 25 के सेक्टर 12 के मेरे घर पर आए थे कि मेरे साहब याद इसको हटवा दो और या फिर इसके आगे चादरें लगवा के इसको बंद करवा दो। और इसके लिए मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, कंपनी वालों को कह चुका हूँ, अफसरों को कह चुका हूँ, लेकिन इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। और अब मैं आज बैठा हूँ और जब तक ये इसको चादरों से ढकेंगे नहीं मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। कूड़े को उठा के आज पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह धरना दे रहे हैं निगम के खिलाफ, तो क्या कहना, सो कूड़ा नहीं उठ रहा पूरे डंपिंग ग्राउंड जो है और JBM कंपनी के खिलाफ। देखिए, मुझे आपके माध्यम से ही पता चल रहा है कि वहाँ पर वो धरना दे रहे हैं। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये हर पब्लिक का राइट है कि वो बोल सकता है। अगर उसको कोई चीज़ उसकी पूरी नहीं हो रही तो वो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकता है। और जैसे कि पानीपत की जनता अवेयर हो रही है, हर कोई ऐसा कर रहा है, तो अगर वो वहाँ पर धरना दे रहे हैं तो कोई वजह होगी जो उन्होंने पूरा ना किया हो। और मेरे हिसाब से JBM कुछ हद तक जो है कूड़े का जो है कम हो चुका है, लेकिन अगर हो सकता है अगर वो धरना दे रहे हैं तो कोई ना कोई उनकी बात ऐसी होगी जिसकी वजह से उन्होंने पूरा ना किया। डंपिंग ग्राउंड के चारों तरफ से ढका होना चाहिए, चद्दर होनी चाहिए, तो क्या आप उस पर क्या नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आप, मैं बता सकती हूँ कि मैंने JBM को बहुत बार बोला है कि ऊपर से उसको पूरा कवर होना चाहिए क्योंकि वो भी एक हमारे शहर का हिस्सा है, वहाँ से भी बहुत ट्रैफिक जाता है तो वो खुले में अच्छा नहीं लगता। और JBM ने बात मेरी नहीं मानी और इसीलिए उस दिन जब मैं शहर का राउंड लेने गई तो जहाँ जहाँ मुझे कूड़ा दिखा मैंने अनिल विज जी को भी लेटर लिखी और उनको बोला कि 1,00,000 का इनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। और उनका रिवर्ट बैक आया कमिश्नर सर के पास कि विदिन 2 दिनों के अंदर उन्होंने रिपोर्ट जो है वापस ऊपर भेजनी है। तो ऊपर हमारी मेरी तरफ से जो कार्रवाई है वो चल रही है, JBM के जहाँ जहाँ मैंने लेटर्स भेजने हैं मैं भेज चुकी हूँ और चल भी रहा है। और पापा वो एक अलग काम कर रहे हैं, एक अलग पब्लिक होने के नाते जो वो हमेशा से करते आए हैं वो उस चीज़ को नहीं रोकेंगे, वो जैसे कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट यस टीवी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।